श्रद्धेय वंदनीय प्रातः स्मरणीय आयुर्वेद मनीषी आचार्य श्री, मैं कुछ अपने भाव कुछ उद्गार इस समय इस पावन अवसर पर पूज्य आचार्य श्री के सम्मुख अवश्य रखना चाहता हूँ। जब मैं इस गांव में आया तो इतनी चर्चाएं इतनी बातें स्वामी जी के बारे में आचार्य श्री के बारे में नहीं थी या जानकारी नहीं थी, परंतु इंद्र चहल उनके घर में मैं बैठा था तो कुछ चर्चा हुई, उन्होंने कुछ मेरा साइज कुछ फेस ऐसा लगा कि आप वही हैं, बात करते हुए कहा कि नहीं मैं नया आया हूँ। अच्छा अच्छा आपके वहाँ ऐसे ऐसे ब्रह्मचारी आते थे, बालकृष्ण जी जो नाम था, आप दूसरे हैं वहाँ? हाँ जी मैं वो अलग हूँ। पढ़ते हुए बीच में मैं वहाँ दिव्य योग मंदिर में रहा था, यहाँ से प्यार जुड़ा हुआ था, स्वामी जी का भी आना जाना हुआ और स्वामी जी के पास यहाँ के युवकों का भी आना जाना हुआ, तो फिर भी मैंने ये सोचा कि भाई इस गांव में कुछ विशेष किया जाए। वहाँ से लौट करके फिर यहाँ आए, यहाँ पर शिलान्यास किया। शिलान्यास के समय पूज्य महाराज श्री स्वामी जी महाराज का यहाँ कार्यक्रम था, आचार्य श्री का भी बड़ा भारी प्यार प्रेम मुझे मिला, बहुत प्यार मिला, बड़ी आत्मीयता मिली है। मैं कभी कभी बड़ा शर्मिंदा बड़ा महसूस करता हूँ कि इतने ऊँचे और मुझे इतना प्यार और सम्मान देते हैं, मुझे स्वप्न सा लगता है। एक बार की घटना है, मैं आचार्य जी से बातचीत कर रहा था, कुछ मिलने गए थे, आचार्य जी बैठे थे, मैं मेज के सामने खड़ा था ऐसे करके, ये क्या है ये कपड़े, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहना करो, और लो कपड़ों के लिए हैं ये कपड़े, लोगे कि नहीं तो मैं कपड़े मंगवाता हूँ, महाराज जी कपड़े ही लूँगा। आचार्य श्री ने जो पौधा लगाया था वो आज इस प्रकार इस रूप में पुष्पित पल्लवित हो रहा है। बहनों का आशीर्वाद, बहनों का मार्ग निर्देशन, बहनों का ये जो आशीर्वाद आपके गाँव को मिला है, इसे आप और हम सोच नहीं सकते कितनी बड़ी उन्नति होनी है, कितना बड़ा इसका परिणाम इसका फल मिलने वाला है, आप और हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और मैंने कहा था दो तीन दिन पहले भी गांव के बीच में बातें रखी थी, मैं तो कुछ भी नहीं, पूज्या बहनें आचार्या जो हैं मेरे शो तो अत्यंत न ज़्यादा कितनी अधिक विदुषी हैं और बहादुर हैं। बहादुर कैसे? बात चला रहे थे, बोले एक दो लड़की पालन पोषण करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, आप विचार कर लें जिनके जिनके घर परिवारों में हैं, और ये बहनें 800,000 लड़कियों का पालन पोषण उनका संरक्षण उनको शिक्षा दीक्षा उनको संस्कारित कर रही हैं, तो ये बड़ी भारी बहादुरी है। और बहनों का पूरे विश्व में बड़ी अच्छी ख्याति है, मुझे तो कोई नहीं जानता, पूरे विश्व भर में बड़ी ऊँची ख्याति है, ये तो इस इलाके का आपके गाँव का कितना सौभाग्य बताएं बता ही नहीं सकते, इतना बड़ा सौभाग्य है कि इनका ये आशीर्वाद आपको मिला है। तो ये गुरुकुल शुरू होने जा रहा है और आचार्य जी के माध्यम से पूज्य आचार्य श्री के कर कमलों द्वारा ये गुरुकुल का जो शुभारंभ हुआ है, इससे भी हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये संस्था कितनी ऊंची बढ़ेगी, कितनी ऊंची ऊंचे शिखर को प्राप्त करेगी। इसलिए ऐसे ऐसे महापुरुषों के सानिध्य में और इनके मार्ग निर्देशन में इस संस्था का संचालन होगा तो हमारे इलाके का हमारे पूरे क्षेत्र का विकास के साथ साथ राष्ट्र और समाज का निर्माण होगा। अब मैं निवेदन करना चाहता हूँ आचार्य श्री से, वो अपने मुखारविंद से हम सबको अपना शुभ आशीष अपन मार्ग निर्देशन अपनी प्रेरणा हम सबको देंगे। पूज्य आचार्य श्री बालकृष्ण जी। ओ आज भड़ताना गांव में होली के पावन अवसर पर नवसशिष्ट यज्ञ जो हमारी वैदिक परंपरा में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, दुर्भाग्य से उसका जो वैदिक स्वरूप था आज बहुत कम दिखाई देता है पूरे देश में, वह वैदिक स्वरूप यहाँ देखने को मिला आप सबके प्रयास से। इस कार्यक्रम को हमारे बहुत ही सम्माननीय बहुत ही प्रिय भाई आत्म प्रकाश जी ने इस आयोजन को बखूबी बरसों से निभा रहे हैं, उनको भी हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं। और इस आज के कार्यक्रम में यहाँ पर आज वैदिक कन्या गुरुकुल का प्रारंभ हुआ है,
उद्घाटन हुआ है, उस उद्घाटन के निमित्त बनी परमादरणीय श्रद्धेय बहन आचार्य सुमेधा जी, बहन आचार्य सुकामा जी, उनका एक बहुत बड़ा संकल्प है। वो बहुत संकल्पवान हैं, पुरुषार्थी हैं, तपस्विनी हैं। उन्होंने बहुत एक आदर्श बनाया है आर्य समाज में, वैदिक जगत में और कन्याओं की शिक्षा के लिए। यहाँ पर आज इस पावन अवसर पर मंच पर विराजमान आचार्य ऋषिपाल जी हैं, हमारे गुरुस्थान गुरुकुल कालवा के वर्तमान आचार्य, हमारे सम्माननीय भाई आचार्य राजेंद्र जी, एमडी यूनिवर्सिटी के डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी, यहाँ के सरपंच राम मेहर जी और सभी यहाँ बाहर से आए हुए आचार्य गण, और हमारे पतंजलि विश्वविद्यालय के कुल सचिव सम्माननीय डॉक्टर जवाहर ठाकुर जी, साथ में आई हमारी माता जी, हमारी बहनें, और यहाँ पर हमारे भारत स्वाभिमान के हमारे प्रभारी गण और सभी कार्यकर्ता बंधुओं, और मेरी गुरुकुल की प्यारी बहनों, प्यारे बच्चों, इस गांव के सभी बड़े बुजुर्ग, मेरी पूज्य मातृशक्ति, मेरी बहनों, सच में इस क्षेत्र में इस गांव की कितनी प्रतिष्ठा थी मैं नहीं जानता हूं, पर गुरुकुल के संदर्भ में यदि मैं बात करूं तो ये विख्यात नहीं कुख्यात गांव था। बढ़ताना भेजने का मतलब किसी ब्रह्मचारी को जटिल दंड देना माना जाता था। वो दंड सबसे पहले मैंने भुगता। मेरे को भड़ताना बोला कि जय अन्न नाज इकट्ठा करना है, नए नए गुरुकुल में आए थे, गुरुकुल में तो हम शास्त्र पढ़ने के लिए आते हैं, पर शास्त्र पढ़ने की ट्रेनिंग में ये अनाज और तूड़ा इकट्ठा करना महत्वपूर्ण पाठ था। समय हुआ, सबके लिए गांव लिखे गए, कुछ हमारे ब्रह्मचारी समझदार थे, जहाँ पहले से गुरुकुल के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोग थे, फिर मेरी ड्यूटी लगा दी गई, भाई तेरे को जाना है भड़ताना, उससे पहले कभी आया नहीं था यहाँ। तो वहाँ से गुरुकुल से वो नहर की पटरी अभी देख करके आया हूँ, साइकिल में गुरुकुल से पहुँचा। पहुँचने के बाद में मुझे कहा गया था, हम आज नहीं है वो बुजुर्ग, मैं पूछ रहा था, उनका घर भी मैं बाहर से देखता हुआ आया, श्री राजमल जी, कहा कि जा करके राजमल जी से मिल लेना, आचार्य जी का इतना ही आदेश था। एक वो जो कापी कह रहे हैं ना, वो कापी की हमको भी एक कापी थमा दी गया, थमा करके कहा कि गाँव में जाओ। हम यहाँ पर आए, हमको पता नहीं था, परंतु शायद मैं इससे पहले गुरुकुल खानपुर में भी रहा, पर खानपुर में मैं अनाज इकट्ठा करने नहीं गया, बाकी ब्रह्मचारी जाते थे। अब बाद में यहाँ आए तो यहाँ पर हमारी ड्यूटी लगी। पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पहले ही दिन से ये गुरुकुल वालों को पता था गांव बहुत उम्दा किस्म का है, पर हमको कभी महसूस नहीं हुआ। पहले दिन से राजमल जी ने सबसे पहले रोटी खिलाई, उसके बाद में पता नहीं कितनों के घर में रोटी खाई हमने। यहाँ इन गलियों में हम कई कई दिन गुजरे, मैं शायद 1990, 91 और 92, तीन साल, 90 और 91 दो साल तो मैं ज़्यादा रहा, एक साल थोड़ा कम, जहाँ तक मुझे याद है तीन साल मैंने इस गांव में विशेष करके अन्न संग्रह के टाइम पर अपना समय दिया। और इस गांव से जितना मुझे प्यार है, मुझको लगता है कि उससे कहीं ज़्यादा आप सब हमसे प्यार करते हैं, वो हमने महसूस किया। जब यहाँ से, यहाँ तो हमने सेवा जो की, जब पतंजलि की सेवा के लिए बात आई, श्रद्धेय स्वामी जी ने आत्मप्रकाश जी को कहा, भाई हमको कुछ नौजवानों की आवश्यकता है संस्थान की सेवा कार्यों के लिए, मुझे इस बात को कहते हुए गर्व है कि सबसे पहले जो युवक लोग गए उनमें, युवाओं में इस भड़ताना गांव के और आसपास के जवान थे, वो भावनाएं
वो संबंध जुड़ा हुआ है शुरू से, हम चाहे आ पाए ना आ पाए। उसके बाद में सिर्फ एक बार मेरे को यहाँ से गुरुकुल जाना था, आत्मप्रकाश जी ने कहा नहीं उस गांव में होता हुए निकलो आप, कुछ क्षण के लिए कुछ मिनट यहाँ से निकला था। प्रतिवर्ष ये होली के कार्यक्रम के लिए हमको आह्वान करते थे, बुलाते थे, पर ऐसा संयोग कभी बन नहीं पाया। मन में तो था, मन में आप लोग दूर नहीं थे, वो सारी घटनाएं, वो सारी स्मृतियां, वो सारी चीज़ें हम कभी भूलते नहीं हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि जो व्यक्ति अपने अतीत और इतिहास को नहीं भुलाता है वही व्यक्ति जीवन में ऊंचा उठ सकता है। तो यह तो मेरा इतिहास है, यह मेरा अतीत है, मैं उसको कभी नहीं भूल सकता, इसकी आप कभी कल्पना भी नहीं करना। जब हमारे जीवन की कोई बात आएगी, जीवन की घटना की बातें होंगी, उस समय पर भड़काना भी उसका अंग था और हमेशा रहेगा। मैंने तो एक छोटा सा पौधा, मैं भी बहुत छोटा था, मुझे याद है एक के दो घर में छोटे बच्चे होते थे, उनको एक दो को थोड़ा बहुत पढ़ा भी देता था, संस्कृत की कुछ बातें बता देता था। ओम प्रकाश जी बैठे हुए, उनके बेटे भी मैं देख रहा था, वो बड़ा तो ज़्यादा ही बुजुर्ग लग रहा था। मैं सोच रहा था यदि हम तो गुरुकुल में थे, यदि हमारा मेरे से थोड़ा ही बड़ा दिखता था तब, अब वो ज़्यादा बड़ा हो गया, हम उतने ही रह गए। तो मेरे को, मैं अभी कह रहा था हंसता हुआ मनोरंजन रास्ते में, मैंने कहा यदि हमारा भी ब्याह हो जाता हम भी वैसे ही मिलते। तो हाँ, तो इसीलिए सब लोगों का बड़ा प्यार रहा इस गांव में और आप लोगों की जो तपस्या है। और मैं एक बात बताऊं, आप लोगों की भावना ना होती, दरअसल आप अच्छे थे, अच्छे हैं, आपकी भावना ना होती तो आत्म प्रकाश जी जिस तरह से इस गांव के लिए इन्होंने अपना समय दिया, मैंने आज पूछा क्षमा मैं मांगता हूं, मुझे ये नहीं पता था कि आत्म प्रकाश जी, मैंने कहीं सुना था उड़ता उड़ते भड़काने का ये आदमी है। सिर्फ आप लोगों की प्यार की ऐसी एक डोर है जिसकी वजह से एक व्यक्ति, एक जवान, एक युवा अपनी पूरी जीवनी और जिंदगानी को वहाँ पर अर्पित करने के लिए संलग्न है, यह बड़ी बात है। आप लोगों के प्रति मैं इस रूप में कृतज्ञ हूँ, आप लोगों ने हमें एक छोटे से बाल कृष्ण को यहाँ पर बहुत प्यार से रखा। सभी माताएं बहनें, भाई कह रहे थे हमारे शास्त्री जी कोई बात सुनाना, मैं सच बताऊं मैंने दुनियादारी को कुछ समझा तो यहाँ से समझा, और संसार की विविधताओं को जाना तो भी भड़ताने से जाना। आप कहेंगे जी वो कैसे जाना, क्योंकि इससे पहले हम इतने घरों में, इतने परिवारों में शायद जाने आने का जो संपर्क और संवाद कभी नहीं रहा, यह भड़ताने के गली गली में, घर घर में जाने से रहा। और मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं, मैंने एक चीज़ बहुत अनुभव किया, वो जीवन का पहला अनुभव था, मैं कभी भूल नहीं सकता। क्योंकि आप जानते हैं कि जब अनाज लिखा जाता था तो वो पंडाल में यहाँ पर बैठ करके सब लिखते थे, अपने क्या है वो इस चौपाल में बैठ करके, और लिखने के बाद में क्या होता था, हम अनाज लेने तो घर में जाते थे, जाने के बाद में जैसे मेरी माँ थोड़ी दयालु हुई तो वो कहती थी इन्हें कम लिख रखा है, ले जा बेटा ले जा और ले जा, दो चार धड़ी और फालतू डाल देती थी वो 10 किलो लिखा हो तो 20-20 लिखे हो तो एक मण भी दे देती थी। और कुछ कुछ मेरी माताएं ऐसी भी होती थी जो बेचारा बापू दयालु रहा हो, उसने लिख दिया हो एक आध मण, आगे मोडे कहाँ से ढेड़ क्या है, बहुत सारे शब्द हैं, मैं वो धीरे धीरे बड़बड़ाती थी बेचारी माता, फिर भी दे देती थी, कुछ थोड़ी बहुत कट कर देती थी अलग बात है, 20 किलो लिखा है और 10 किलो दे के टरका देती थी। तो मैं फिर सोचता था अच्छा मुझे कभी बुरा नहीं लगा, अच्छा मेरे को बड़ा आनंद आता था, मैं पूरा इंजॉय करता था उसका। फिर बाद में मैंने सोचा भगवान के घर में अंधेर नहीं है, सही बात है, यदि दोनों दयालु होते तो घर ही दान कर देते, और दोनों कंजूस होते तो पता नहीं क्या हो जाता। तो यहाँ आकर के मुझे पता चला सच में भगवान है, इसलिए जोड़ी भी ऐसी बना करके भेजता है, वो बिल्कुल थोड़ा अलग अलग जो है ना दिशाओं पर चलने वाले लोग होते हैं। तो ये भी यहीं भड़काने से, जैसे कहते हैं ना बुद्ध को जो बौद्धित्व की प्राप्ति गया में हुई थी, हमको भगवान की प्राप्ति तो ये भड़काने में हो गई थी। मैंने कहा हे भगवान तू बड़ा विचित्र है। तो इस भगवान की लीला को हमने यहाँ महसूस किया था। तो इस तरह की घटनाएं, सारे बच्चे हमने तो जितने भी छोटे छोटे बच्चे थे अब बड़े बड़े होंगे, अपने कार्यक्षेत्रों में विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे होंगे, सभी लोगों ने बड़ा प्रेम और आत्मीयता प्रदान किया, और मैं भी वही हूँ जैसा यहाँ पर था, यह मेरी मजबूरी है। हम लोग विविध कार्यों में लगे होते हैं, श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर इतना बड़ा जो परिवर्तन हुआ, इस देश के अंदर आज योग और आयुर्वेद को लेकर के एक नया स्वरूप बन रहा है,
शिक्षा की जहाँ तक बात है, उन सभी आंदोलनों को, सभी कार्यों को एक बड़े मुकाम पर पहुँचाने का कार्य हम सब के बीच में है। हमें उस कार्य के लिए लगना पड़ता है, इसीलिए हम समय नहीं दे पाते हैं, आ नहीं पाते हैं। कई बार आप वहाँ जाते हैं तो भी मिल नहीं पाते हैं, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारे हृदय में, हमारे मन में आप लोगों की जो प्रतिभावनाएँ हैं, आप सबको लेकर के जो आपकी स्मृति है, कहीं हम विस्मृत कर चुके हैं, वो ऐसा नहीं है। हमारे दिल और दिमाग में उसी तरह से हमारी भावनाएँ आपके लिए हैं। मैं अभी देख रहा था भाई धर्मा जी, जरा खड़े हो जा भाई तू एक बार। ये मेरा धर्मा, ये गुरुकुल कालवा का एक गौ सेवक पहले भोजन भी पका देता था हमारे लिए, वो ऐसा ही था जब मैंने देखा था ये 25 साल पहले। बाकी तो जवान बूढ़े हो गए, पर ये बूढ़ा बूढ़ा नहीं हुआ अभी तक। बैठ जा भाई धर्मा जी। मुझे याद है जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे उस समय पर हरिद्वार में, क्योंकि आसपास के गाँव के बड़े सारे महात्मा हरिद्वार में हैं, वो आप भी जानते हैं, उधर जामनी का है, इधर गांगुली के भी हैं, कई सारे हैं। तो हमको पता चला जब आचार्य जी ने गौशाला जो शुरू किया धड़ोली में जब शुरू किया, तो हमको पता चला कि हरिद्वार से बड़े बड़े महात्मा हैं, उनके पास बहुत सारे पैसे हैं, तो वो आएंगे हमको देंगे। तो हम भी देखने के लिए गए, भाई वो पैसे वाले महात्मा कैसे होते हैं। तो आए थे, अभी हमारे मित्र लोग हैं, सभी लोग हमारे पास आते हैं, हम लोगों से मित्रता है उनकी। तो आए तो मुझे पता है कि हमारी रोटी तो धर्मा बनाता था, ठीक है, ये एक छोटे हरिजन परिवार से है, हम लोग तो सबका भोजन करते हैं, हमारे लिए मनुष्य मात्र एक है। हमको पता चला कि हरिद्वार से बाबा लोग आए हैं, बोले हरिजन भोजन पकाता तो बोले नहीं खाएंगे। तो मैंने कहा अच्छा है, हम तो खाएंगे, भोजन तो गेहूँ और रोटी और सब्जी तो वही है। तो ये जो हरियाणा की भूमि है, यहाँ जात पात को लेकर के, यहाँ पर जो भाषा को लेकर के, यहाँ पर दूसरे विविध तरह के जो आजकल देश को तोड़ने की बात की जाती है, मैं मानता हूँ कि जो ऋषि दयानंद का भक्त होगा, जो वैदिक परंपरा में जीने वाला होगा, और उसकी जो मैं कहूँ कि हरियाणा में ऋषि दयानंद के प्रति निष्ठा रखने वाले लोगों की संख्या यदि देश की तुलना करें तो कहीं ज़्यादा इस धरती पर है। इसलिए इस धरती में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, ये हम सबको मिलकर के रहना है। सबके अंदर प्रेम हो, एक आत्मीयता हो, एक दूसरे को साथ लेकर के चलने की भावना हो। सभी लोग हमारे भाई हैं, सभी अपने हैं, सभी मनुष्य हैं। हमको अपने कर्मों से ऊंचा उठना है, ना कि दूसरे जो भेद हैं उन मनभेद और मतभेदों को पैदा कर करके हमें आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जिस तरह से आपने प्रयास करके यहाँ से शराब के ठेके बंद कराए, दूसरे गलत कामों को आपने बंद कराया, इसी तरह से सामाजिक समरसता और भाईचारे का एक बड़ा आदर्श यहाँ से शुरू हो या पूरी देश और दुनिया में पहुँचे, यह हमारी कामना है, यह हमारी आशा है। क्योंकि आपके साथ हमारा नाम भी जुड़ा है, कहीं तो जुड़ा है, कहीं तो तुम कहते होगे आचार्य बालकृष्ण, जो जब कभी हम टीवी में कार्यक्रम में कहीं आते होंगे, वो तो हमारे गांव में आया करता था। शायद बहुत सारे लोग भरोसा भी नहीं करते होंगे तुमको कि तुम सही कह रहे हो, आज मैं कह करके जा रहा हूँ इसलिए सब लोग जो है ना विश्वास कर लेंगे, चिंता मत करो। तो ये हमको करना है। और दूसरी बात करी जाती है, लोग कोई गंगा नहाने के लिए जाता है, कोई कुंभ नहाने जाता है, कहीं तीर्थ के लिए जाता है, कि कहा कि यहाँ पर शास्त्रों में तो ऐसा कहा है कि जो अच्छा संत होता है वो स्वयं तीर्थ रूप होता है। यहाँ पर हमारे आत्मीय आचार्य आत्म प्रकाश जी ने एक तप करते हुए आप सबके सहयोग से एक अच्छा सा पौधा लगाया, और वह पौधा आज आदरणीय हमारी सम्माननीय बहन की वजह से वह एक बृहद और व्यापक स्वरूप लेने वाला है। और कल के दिन में मैं ये चाहता हूँ कि जैसे बहन का गुरुकुल का नाम है सब जानते हैं, बहन का नाम पता ना भी हो चोटीपुरा गुरुकुल सबको पता है, ये एक बात ध्यान रखना। बहन का नाम चाहे सबको पता हो ना हो, गुरुकुल चोटीपुरा सबको पता है। पहले मैं सोचता था ये चोटीपुरा क्या बला है, मुझे लगता था क्योंकि ये आर्य समाज ही हैं, वो चोटी तो हम सब रखते ही हैं, तो हमने सोचा कि वो चोटी के नाम पर कुछ कर दिया होगा। फिर बाद में मैंने देखा कि बहन को भी वो नाम अटपटा रखता था, तो इन्होंने शुरू में, अब तो नहीं लिखती शायद, इन्होंने लिखा चोटी पूरा, फिर लास्ट में ब्रैकेट में होता था शिखापुरम। भाई वो चोटी पूरा शिखापुरम की जरूरत नहीं है, चोटी पूरा हो चुका है। तो इसी तरह से जब भड़काने की बात आएगी, आपको कोई जाने न जाने, आप कहीं भी दुनिया में जाएं, आप कह सकते हैं कि जहां ऐसा आदर्श गुरुकुल चलता है उस गांव का निवासी मैं हूं, उस गांव से मैं आया हूं। यह बहुत बड़ी बात है, यह छोटी बात नहीं है।
गुरुकुल कालवा को श्रद्धेय आचार्य बलदेव जी ने तप से सींचा, खून पसीने से सींचा। उस व्यक्ति ने संपूर्ण जीवन वहां पर लगा दिया, परंतु आज यदि हमको जानते हैं तो कहते हैं वहां के ब्रह्मचारी हैं, स्वामी जी वहां के हैं, ये आचार्य बलदेव जी के शिष्य हैं, उन गुरुकुल के पढ़े हुए हैं, ये कहते हमको भी गर्व होता है, लोगों को भी गर्व होता है, क्योंकि उसके पीछे उस तपस्वी की जो तप है, उसकी जो भावना है, उसकी जो स्वरूप और दृष्टि है, वो हमारे आंखों के सामने होता है, वो हमारे हृदय में, हमारे मस्तिष्क में होता है। एक आदर्श आचार्य अनेक आदर्श शिष्यों को बना सकता है, पैदा कर सकता है। तो यही अभियान यहाँ से शुरू होगा। आप सब सौभाग्यशाली हैं, आप सब की बहुत भावना है, और आज गौरव की बात है, आज शहीदी दिवस भी है, हम सब के लिए बहुत बड़ा दिन है ये। हमारे वीरों ने, शहीदों ने अपनी भरी जिंदगानी को, जवानी को माँ भारती के लिए आहूत किया था, कुर्बान किया था। मैं कहता हूँ कि आज हमें देश के लिए आवश्यकता पड़े तो हमको मरने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, नहीं तो हमको देश के लिए जीने के लिए हर क्षण सोचना चाहिए कि मैं जीऊं तो देश के लिए जीऊंगा। यही वीरों के लिए, शहीदों के लिए, शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव आज के दिन फांसी पर झूले थे। उन जवानों ने अपने लिए नहीं सोचा था, अपने घर वालों के लिए भी नहीं सोचा था, उन्होंने सोचा था तो मात्र देश के लिए सोचा था। तो यह गुरुकुल को प्रारंभ करने का कार्य, यह देश के निर्माण का कार्य है, संस्कृति के संरक्षण का कार्य है। एक बेटी, एक बहन तैयार होती है, वो दो परिवार को सुधारती है, दो परिवार को ठीक कर सकती है, तो यह पूरे परिवार को, पूरे समाज को, पूरे देश को ऊंचा उठाने का कार्य है। आज देश के अंदर आप देखते हैं चारों तरफ ऐसी विकृति, इस तरह का, एक तरफ तो पाश्चात्य की आंधी है जहाँ पर अश्लीलता और विकृतियों का बोलबाला है, वही दूसरी ओर आप देखते हैं कि इस देश के अंदर कहीं ना कहीं राष्ट्र विरोधी जो धाराएं हैं वो बढ़ रही हैं। भारत माता की जय कहने के लिए लोगों को शर्म आती है, हमें धिक्कार है ऐसे लोगों के प्रति, ऐसे लोग भी इस देश में रहते हैं। उनको जवाब देने का एक ही उपाय है कि हम राष्ट्रवाद की जो धारा है, राष्ट्रभक्ति की जो धारा है, उसको इतना प्रबल कर दें कि इस तरह के लोग इस देश में कहीं दिखाई ना दें। यह काम भी हमको करना है, यह कार्य भी गुरुकुल से होगा, इस तरह के गाँव से होगा, और आप सब से मिल करके, आप जैसे जो भावना से लोग हैं उनके माध्यम से होगा। तो आप सबको हमारी बहुत शुभकामनाएं। वर्षों से प्रतीक्षा थी, हमें तो बहुत प्रतीक्षा थी, हमारा बहुत मन था कि एक बार आप लोगों से मिल लें, आप लोगों से बातें कर लें, आपके पास आएँ। आज वह दिन, वह समय आज आया, हमको यहाँ आने का मौका मिला, और आप सबसे मिलकर के हमें बहुत प्रसन्नता है। वह आज 23, 24, 25 साल पुरानी बातें, वो स्मृतियाँ हमारे मन और मस्तिष्क में हैं, वो स्मृतियाँ हमको कमज़ोर नहीं करती हैं, वो स्मृतियाँ हमको ताकत देती हैं। इन धूल में, इस मिट्टी में, इस धूप में हमने ऊर्जा को पाया है, शक्ति को पाया है, संवेदनाओं को पाया है, भावनाओं को पाया है, और हमने आपके अंदर उस संस्कृति की ज्वाला को जलते हुए पाया है। यही कारण है कि आज आपके गांव में गुरुकुल बन करके तैयार है। यह एक बहुत बड़ा आप लोगों का एक तरह से योगदान है, सहयोग है, इसको आगे बढ़ाना और पूरे पुरुषार्थ के साथ आगे बढ़ते रहना। तो आज के अवसर पर जितना बन पाता है हम लोग लगे रहते हैं, हमारे भगवान की दया से, क्योंकि संस्था का स्वरूप, हम सिर्फ फैक्ट्री नहीं चलाते हैं, हम गुरुकुल भी चलाते हैं, वहाँ पर वैदिक गुरुकुलम चलता है, वहाँ पर 400-500 ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियाँ तैयार हो रही हैं, दूसरे विविध तरह के सेवा का कार्य होता है। फिर भी भगवान ने जो भी प्रसाद दिया है उसका रहता है कि समाज के कार्यों में लगे। अभी हमारे आत्मप्रकाश जी की एक और बात है, उसको दोनों तरफ से ले सकते हो। मैंने कई बार महसूस किया ये मन में कुछ नहीं रखते हैं, पर कभी कभी ये इतना खरा खरा बोल जाता है, वो झिलना भी भारी पड़ता है, आप लोगों को भी भुगतना पड़ता होगा, तो उसको मन में मत लियो, क्योंकि वो मेरे हिस्से में भी आता है कई बार। हमने बस दे दी उठा करके बाबा को, कहता है कि बोला वो टायर पंचर हो गई। अरे टायर पंचर होने की जिम्मेदारी मंत्र फूके थोड़ी दिया था मैंने, तो वो भी हमारी जिम्मेदारी है। तो इसीलिए जो है, बहुत प्यारा महात्मा है, झेल करके रख, संभाल के रख लेना, नहीं तो कहता मैं तो जाऊँगा। अब पकड़ लो इस बाबे का, क्या पकड़ोगे, दो कपड़े हैं झोले में डाल लिया, वो झोला भी पतंजलि वाला लेके घूम रहा है। तो जो है तो इसीलिए संभाल के रख लेना, अच्छे ब्रह्मचारी हैं, अच्छे तपस्वी हैं, और आप लोगों का सौभाग्य है कि ऐसा तपस्वी और ऐसा सच्चा ब्रह्मचारी वो आपके बीच में है। ये हमारे प्रतिनिधि हैं, उसके बाद ही तो ये गाँव में घुसे,
यदि मैं दो साल आपको ना झेला होता तो शायद ये टिकता भी नहीं भाई। तो इसीलिए पहले तो हमको हमारा धन्यवाद कर लो। और यूं तो इसीलिए हम शुरू से, और ये भड़दाना गांव, मैं आपको सच बताऊं, मेरे से पहले इस गांव से बिल्कुल अनाज इकट्ठा नहीं होता था। सारे बुजुर्ग बैठे हो, लिखवा दी जाती थी कापी, बोला जी यहाँ पर लिख दिया, यदि मान ली 5 क्विंटल तो बोला आओगा 1 क्विंटल, ऐसे ही होता था। पर आज आप सबसे आगे पहुंच गए हो, ये आपके पुरुषार्थ से, आपकी भावनाओं से, पूरा देश और दुनिया आपको जाने, आपकी चर्चा करे। भगवान ने जो भी आपके पास सामर्थ्य दिया हुआ है, देखो किसान हैं आप लोग, ज़्यादातर खेती करते हैं, कुछ लोग नौकरी पेशा छोटी मोटी नौकरी में हैं, आप लोगों का सामर्थ्य सीमित है, असीम नहीं है, कोई बहुत आप करोड़पति अरबपति सेठ नहीं है, परंतु यह भी हरियाणा की परंपरा है। मैंने देखा है यदि घर में यदि थोड़ा भी 10 मण भी नाज होता है तो उसमें से व्यक्ति चाहे 10 किलो भी दान कर करके वह अपने आप को गौरवशाली महसूस करता है। उन लोगों में से आप लोग हैं, सहयोग आप करते हैं और करते रहना। तो मैं भी ये, क्योंकि मैं थोड़ी शुरुआत करके जाना चाहता हूँ, श्रद्धेय स्वामी जी से आज यहाँ लेकर के आया था, तो 15 लाख रुपए का सहयोग हम पतंजलि योगपीठ की तरफ से आपके गुरुकुल के लिए हम भिजवा देंगे, और बाकी भी जो सहयोग होगा हम साथ हैं, जो भी बन पाएगा हम करते रहेंगे। हमारी आप सबको बहुत शुभकामनाएं, और भगवान से आप सबके लिए बहुत प्रार्थना है, प्रभु आपको इतनी शक्ति दें, इतना सामर्थ्य दें, आपकी दिव्यता को इतनी बढ़ाएं कि दुनिया में आप सुख शांति के साथ में, सुस्वास्थ्य के साथ में जीवन को जीते हुए एक आदर्शमय जीवन को आप जिएं। हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं आपको, बहुत बहुत भगवान से प्रार्थना है, और यहाँ पर गुरुकुल एक बहुत दिव्य और भव्य रूप में बने, यही भगवान से हमारी प्रार्थना है। ओम।